हेलो गुड आफ्टरनून। तो अभी दिन के एक बज रहा है, इसी के साथ एक और नए दिन की शुरुआत। आप सभी लोग को मेरे ब्लॉग पर स्वागत है। होप आप सभी लोग बढ़िया ही होगा, बढ़िया ही रहना। तो आज का ब्लॉग मेरा गोकर्णा से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि मैं जो इंसान इतना मेहनत करते हैं ना दिन गुजारने के लिए, तो मैं उन इंसान से मैं बहुत इंस्पिरेशन भी होता हूँ और उनका मेहनत देख के मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग को मालूम है मैं उसी इंसान को, मेरा से जितना होगा मैं रोज़ इतना ही मदद करते हूँ। तो आज भी इसी के साथ आ चुका हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल इधर मैं श्री जनवृत्ति विद्यालय कौन सा मान एक स्कूल है, वो स्कूल के सामने आ चुका हूँ। तो अभी चल देखते हैं। आज का मौसम भी थोड़ा बारिश आ रहा है, कल भी बहुत बारिश आया था, आज भी बारिश आ रहा है। तो अभी दिन तो ऐसा है। तो ये इधर स्कूल है, शायद सरकारी स्कूल होगा। तो अभी चल देखते हैं। आज सुबह आया था मैं इधर, लेकिन वो सुबह वो जो अब उधर वो पेड़ है ना, वो पेड़ के सामने एक बुड्ढा अब जैसे ऐसे 45-50 ईयर्स को होगा वो आदमी एक था। तो सुबह तो बारिश बहुत आ रहा था, इसीलिए मैं उसको इतना मेहनत कर नहीं पाया। तो अभी आ चुका हूँ, तो चल देखते हैं। अभी मैं बाजू उधर देख रहा हूँ कि ये जो जस्ता का घर बना हुआ है ना, इसका नीचे अभी बाहर तो थोड़ा बारिश आ रहा है, इसी के वजह से अभी वह उधर बैठे। चल देखते हैं, वह के साथ थोड़ा बातचीत करते हैं। फाइनली अभी बारिश थोड़ा कम हो गया, तो अभी वह फिर इधर आके सामान लोग रेडी कर रहा है। अभी सामान सब लोग निकल रहे हैं। हमारा चाचा जी बुआ, नमस्ते बुआ। नमस्ते। अभी क्या कर रहे हो बुआ? अभी अभी फसल फसल ठीक है, अभी रेडी कर रहा है सब। अभी इधर सनग्लासेस लोग हैं, आप लोग को दो सनग्लास चाहिए, क्योंकि ना अभी समर आ चुका है ना, समर में थोड़ा धूप से थोड़ा बचने के लिए सनग्लास तो ज़रूर चाहिए। तो आपको सनग्लास ज़रूर चाहिए तो इधर आना। तो इधर बहुत सारा सनग्लास है, अभी बुआ जी मिला रहे। बुआ जी आपका नाम? हमारा नाम है जय प्रसाद पुयाल। जय प्रसाद प्रायल पुयाल पुयाल ओ जय प्रसाद पुयाल। तो आपका उम्र? मैले 60 साठी। ओ भाई, अभी 60 उम्र में तो हम लोग का नेपाल में रिटायरमेंट का समय है, रिटायरमेंट होने के बाद 60 प्लस रिटायर है ना। तो 60 उम्र में भी अभी ये छोटा सा शॉप, अब ये शॉप रोज रन करते हो क्या? ना, कभी 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 जिन दिन विदा होता है ना वही दिन मात्र। ओ जैसे कि आज सैटरडे छुट्टी है ना। तो ये तो आइडिया अच्छा है, क्योंकि ना ये अभी घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है, तो इधर बहुत आदमी लोग आता है, तो उस टाइम में अच्छा भी होगा। अरे यहाँ सीधे जानू, वो माथी पर जानू, यो माथी पर जानू, सीधे पुग्छ ल है। तो आप घर किधर है आपका? हमारा घर इधर पड़ता है इधर। तो आपका फैमिली में परिवार में कौन कौन रहता है? हम परिवार में तीनों जना है, दो जना अपांग है, एगो मैं भी अपांग हूँ। आपका क्या अपांग है? अपांग ये देखो, वो आपका ये हाथ लोग सच में ये तो कुछ काम कर नहीं सकता है। ये हाथ करता है तगड़ा है, ये नहीं है। आपका राइट हैंड अपांग है ना, और लेफ्ट हैंड चलते है। और आपका दो मेरी बीवी भी आँख नहीं देखती है। आँख नहीं देखते? ओ वो है कि नेत्रहीन। तो आपको वो बेटा बेटी लोग है क्या? बेटी है। बेटी बेटी क्या करते हैं? सानी बच्ची है। अब छोटा है क्या? स्कूल स्कूल वाले 8 में पढ़ता है। ओ 8 कक्षा। ओ ठीक है। तो आप लोग ने अभी फिलहाल ये सरकार से कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। अपंग के लिए नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं है। ये तो बहुत दुखी का कहानी है। अभी बुआ जी का ये हाथ ना पैरालाइज से एक हाथ ऐसा यूज होगा और एक नहीं होगा बोल रहा है। तो अभी पिताजी का बीबी भी आँख नहीं देखता है बोल रहा है।
तो अब उन लोग का एक छोटी बहन है, जो उसका छोटी बहन की उम्र कितना है पहले? 13-14। 13-14। तो छोटी बहन अभी स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है क्लास 8 में, वो भी अभी छोटा ही बोलता है। ठीक है, तो अपना ये सनग्लास रोज बेच के ऐसा कैसे कमाते हो? रोज तो नहीं, छुट्टी के टाइम में। छुट्टी के टाइम में कितना नाफा होता है क्या? 100-150 ऐसे होता है। तो आप लोग के पास ये ग्लास है ना, कितना से कितना तक है रेट? ये 300। 300 ये और ये वाला 100 रुपया। ये 100 रुपये, 300। ये वाला 200। ये वाला अपनी 200। ये वाला 200 और ये वाला रेबन 300। और ये 200। और कौन सा? और ये वाला वो भी 200। और आपका लोएस्ट रेट 100 रुपीज है ना? हाँ। और सबसे ज्यादा 300 रुपये। चल ये है ग्लास, अभी ये सेट कर रहा है। अगर आप लोग को ग्लास चाहिए तो इधर आना जरूर, बहुत सारे ग्लास है, वो भी चीप एंड बेस्ट, सस्ता है। अच्छा अभी भी वो थोड़ा सेटिंग कर रहा है। तो आपका ये शॉप है ना, सुबह कितने बजे इधर आते हो आप? 9 बजे, 9:30 बजे। 9 और शाम को 4-4:30 बजे हम चल जाएंगे। चल जाता है। और दिन को खाना लोग किधर खाते हो? अपने घर में। घर वो दिन को ये शॉप ऐसे ही रख के खाना खाते जाते नहीं, लेके जाए, ये भी लेके जाएगा साथ में। तो खाना कौन बनाता है? बीबी का तो आँख नहीं देखता है, वो भी बना सकता है थमथम का ऐसा करके। ठीक है, तो आप इधर बैठ के, तो इधर जो आपका ये टैक्स लोग नहीं है ना, फ्री? फ्री। ठीक है, तो आप पहले किधर रहता था? इधर ही है? इधर ही रहता था आप पहले से? इधर ही है? हाँ, बचपन से ही? ना, बचपन से हम दूसरा ठाव उधर था, दक्षिण ढोका। ओ, दक्षिण ढोका, मूल पानी दक्षिण ढोका। ठीक है, तो आपने ये इंडियन लैंग्वेज है ना, भारत का भाषा, कैसे सीख लिया? तो टीवी, टीवी देख के। आप भी यूट्यूब देखते होगा ना? थोड़ा थोड़ी। ठीक है, तो ऐसे ही है, अभी बहुत मस्त चल रहा है। तो आज आपका ये सब बोनी हुआ सुबह से? 3 बिक्री हो गया। 3 बिक्री हो चुका है ना। ओ ठीक है, तो कौन सा वाला? ये बच्चा वाला था बिक्री। ओ ये वाला बिक्री हुआ। ओ ज़्यादा लोग इधर क्या बच्चा ही लोग खरीदता है क्या, बड़ा आदमी लोग? नहीं, उसका माँ बाप। ओ माँ बाप ने खरीद लिया। ठीक है, तो हमारा बुआ जी का अभी ये शॉप ना इधर ही है, इसके सामने, ये बहुत बड़ा इधर है, पीपल बोट, इतना अच्छा है। तो अभी फिलहाल मैं एक दो ग्लास देखूँगा कौन सा अच्छा है मेरे लिए, ये ट्राई करने से होगा ना। चल देखते हैं कौन सा ग्लास है, पहले रेबन देखते हो ये वाला ग्लास कैसे होगा। ओ भाई ये तो देख रहे थे यार, ये तो बहुत अच्छा है ये तो। और दूसरा कौन सा है ये वाला ना? लेडीज है, ये लेडीज वाला है। जेंट्स का? जीन्स वाला तो तपाईको ये होगा। हां ये लोग है ना, ये बीबी जीन्स, जीन्स का है। चलिए भी एक बार देखते हैं जीन्स का। ओ भाई ये चश्मे तो कुछ अजीब सा देख रहा है यार, ये पहनने से तो अच्छा है ये भी। तो चल मैं ये लेते हूँ। हाँ, इसका कितना बोला आपने? 300। फिलहाल के लिए ये लेते हूँ, अभी बहुत बड़ा है। मेरे को कैसा देख रहा है इसमें? अच्छा देख रहा है। अच्छा, ओहो ठीक है, धन्यवाद, आपने अच्छा देख रहा है बोल रहा है। तो भाई इधर ना, ये तो शायद
घूमने के लिए आदमी लोग बहुत आते जाते करते हैं भाई, इतना बाइक बहुत जाते इधर। तो ठीक है, मेरे को ये अच्छा लगा, ये पैकिंग कर दीजिए धूप में लगाने के लिए। नहीं ऐसे ऐसे भी होगा तो भी वो नहीं होने से भी होगा, वो अभी रख लो। ओहो कैसे था लो। तो अभी मैंने एक चश्मा ले लिया, वो वाला चश्मा है, अब पेन की देखता है घर में कैसे होगा नहीं होगा। तो अभी तो सामान तो इतना ही पड़ा हुआ है इधर। तो आपका ये चश्मा का रेट है ना? नहीं नहीं चाहिए आप, नहीं चाहिए ये रख लीजिए आप, आपको ये थोड़ा तरकारी सरकारी खाने के लिए। हाँ धन्यवाद धन्यवाद, ज़्यादा भी ना ये। तो इसी के साथ ये चश्मा भी, ये चश्मा ले चुका हूँ। तो आप कुछ कहने चाहते हो क्या, कुछ कहने चाहते हो आप? हामीले अब हामी जस्तो गरिबलाई के हुन्छ र, मेरो घर त खतम छ तपाईँलाई किन भन्नु होइन, तपाईँ मेरो घर हेर्न जान सक्नुहुन्छ, धेरै दुःखले बसेको छु, काम गर्ने मान्छे छैन, यस्तो गरेर कमाएर कति खानु छ होइन, धेरै गाह्रो छ। तो बुवाजी बोल रहा है कि बुवा के गर्ना बहुत कच्चा है और अच्छा भी नहीं है बोला, किसी अगर मेरे को भरोसा नहीं है तो साथ में चल देखने के लिए चलो बोल रहा है। तो अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, एक एक दिन जब होगा ना उस टाइम में ज़रूर जाऊंगा और वो भी घर विजिट करूंगा, और वो घर का कंडीशन कैसा है देख के मेरे को थोड़ा मेरे से जितना होगा और फिर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा और फिर मदद करूँगा। आज लिए तो इतना ही है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उधर घर जाऊँगा और घर देख के कितना मदद होगा, घर में कैसा है, तो उस टाइम नेक्स्ट टाइम ही मैं मदद कर लूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसा है, अभी मौसम ऐसा हो चुका है। तो अभी आज का व्लॉग भी हो चुका है, तो आप लोगों को कैसे लगा मेरा व्लॉग? अगर आप लोग मेरे चैनल में नया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में मेरा रोज अपडेट देते जा रहा हूँ, मेरा सब लोग इंस्टाग्राम में होता है। तो अब सभी लोग को इतना ही कहते जा रहा हूँ और मेरा व्लॉग भी यहीं पर एंड कर लेता हूँ। सो टिल देन टेक केयर, बाय, सी इन नेक्स्ट वीडियो, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।